गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम लोग क्लास थ्री में मैथ्स में देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इट, है ना। चैप्टर आपका 12 है, क्या मेजरमेंट ऑफ वेट। चैप्टर है वेट में, जो है ना एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट, है ना, जोड़ और घटाव, है ना। तो इसमें देखेंगे टॉपिक से आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले जो बहुत आसान है आपका, इसे ऐड करना है 36 kg एंड 48 kg को, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे सिंपल ऐड बनाते हैं लोग, वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर शुरू से हम लिखेंगे 36 kg। इसमें ग्राम वगैरह की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राम इसमें है नहीं, इसलिए किलो है, केजी है, केजी मतलब किलोग्राम, और नीचे 48 kg लिख देंगे, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। केजी का केजी यहाँ लिख देंगे, और सो कैडी वाला है 6 8 14, कैडी वन देंगे 4 4 8, यानी कि इससे आपका 84 kg। यस, सम इज इक्वल टू 84 kg, है ना। इससे से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग एडिशन बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन का जो सही आपका एडिशन, है ना। सब्ट्रैक्शन में आपको देखिए से 68 kg, यानी कि 92 kg माइनस 68 kg, इसको हटाना है। 92 kg में से 68 kg को घटाना है। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे आप सॉल्यूशन, 92 लिखेंगे kg, यहाँ पर 68 kg, ठीक है। kg को सबमिट कीजिए, सीधे इसको सेपरेट कर देंगे, वैसे ही जैसे ऐड किया वैसे ही सेपरेट कर देंगे उसको। तो ये 2 में से नहीं जाएगा, बदल से कर देंगे, ये हो जाएगा आपको 12, ठीक है। ये बच जाएगा आपका वेट, ओके। अब जो है घटाना, इनमें से एट जाएगा आपका 4, और ये इनमें से 6 जाएगा 2, है ना। 24 kg आपका बचा, है ना। हेंस डिफरेंस इक्वल टू 24 kg, ठीक है। इस तरह से हम लोग सिंपल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट, बिल्कुल आसान है। तो सिंपल अगर बनाते हैं वैसे बनाएंगे, के जी जहाँ पे है वहाँ पर के जी लिख देंगे, वैसे ही सब्ट्रैक्शन का भी है, और आसान आराम से आपका मिल जाएगा, है ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन पॉइंट पे, कन्वर्सन है ना, चेंज करने कन्वर्ट करने का के जी से ग्राम में, ठीक है। किलोग्राम से ग्राम में कैसे चेंज करते हैं लोग, उसके बारे में लोग पढ़ेंगे, देखेंगे वर्ड कैसे बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं। भी बहुत ही आसान है, सिर्फ एक याद रखते हैं चीज, है ना, कन्वर्सन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, ठीक है। देखिए किलोग्राम और ग्राम कैसे चेंज करते हैं हम, सबसे पहले जो है इसमें एक रूल है, लोग जानते हैं, तो वी नो दैट
किलोग्राम स्क्वायर फुट कितना होता है, 1000 ग्राम, है ना। ये जो है चीज याद रखना है आपको, है ना, हमेशा इसी पे आपको ये कन्वर्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका बनेगा। दोनों क्वेश्चन ग्राम से किलोग्राम में, किलोग्राम से ग्राम में, ग्राम से किलोग्राम में चेंज करने के लिए आएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस से बनेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे रूल नंबर 1 है ना, नंबर 1 में क्या करते हैं, इसे कोई नंबर हुआ इसे कोई भी चीज, है ना, ये मल्टीप्लाई, तो हम लोग सीधे इसमें क्या कर देते हैं, वी मल्टीप्लाई द नंबर, ठीक है, वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ केजी बाय 1000। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए 4 kg को हम लोग चेंज कर रहे हैं 4 kg इंटू ग्राम, है ना, इसको चेंज कर रहे हैं 4 kg को ग्राम में, क्या करेंगे, कहेंगे भी नो दैट 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, इसलिए 4 kg इसको कितना जाए, 1 × 1000 ग्राम इसको 1000 ग्राम, ठीक है। इस तरह से आपका कोई भी होगा 4 kg, 5 kg, 10 kg, जितना भी होगा, जितना kg भी होगा, उसको सीधे सीधे लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये आपका कितना है, यहाँ पे इसी पर बनेगा, है ना, कितना kg भी होगा उसको सीधे सीधे 1 kg का 1000 ग्राम होता है, तो 4 kg का सीधे फॉर्म में 1000 ग्राम, है ना। तो कन्वर्सन याद करने की चीज आपको याद कर लेंगे अच्छे से, इसको आराम से बन जाए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में आता है, रूल नंबर 2 में, है ना, रूल नंबर 2 में क्या है कि इसमें 2 कन्वर्ट केजी इंटू किलोग्राम एंड ग्राम इंटू ग्राम, है ना, क्या करेंगे इसमें, वैसे ही वी मल्टीप्लाई नंबर, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, दोनों को ऑफ केजी बाय 1000, है ना, एंड एंड मतलब जोड़ देंगे उसको, ठीक है, जितना और भी ग्राम होगा उसको एड टू द नंबर ऑफ ग्राम्स, कहने का मतलब है इससे 4 kg निकाले हैं, तो ये आपको एक क्वेश्चन हो रहा है, इससे मान लेते हैं 5 kg 675 ग्राम, है ना, ये क्वेश्चन है आपको, इसको चेंज करता है किसमें, ग्राम में, है ना, इसको ग्राम में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 5000, है ना, प्लस 675, ठीक है, ग्राम, जितना ग्राम है ना, जो ग्राम का है फिर प्लस कर देंगे इसको, ठीक है, ऐसा प्लस कर सकेंगे, ओके। इसको 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, कितना आएगा 5000 ग्राम, है ना, प्लस 675, दोनों ऐड कर लेंगे 575, 675 जोड़ दिया गया,
अपने आप को ग्राम को फाइव सिक्स सेवन फाइव फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फाइव ग्राम आपको इस तरह से दो रूल्स से आपको सबसे पहले तो सीधे सीधे के जी का निकालना रहेगा और के जी और ग्राम एक साथ आएगा तो उसको एक साथ निकालना रहेगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ग्राम में रहेगा उसको उसके साथ जोड़ देंगे ठीक है इस तरह से आपका निकल जाएगा ठीक है और एक और क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू ऊपर देखते हैं वर्ड को कन्वर्ट इनटू केजी एंड ग्राम केजी और ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें किसी नंबर को देखिए जैसे फाइव सेवन सिक्स फोर है नाम क्वेश्चन आपका है फाइव सेवन सिक्स फोर ग्राम क्वेश्चन क्या है फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फोर ग्राम को चेंज करना है जानते हैं वन चेंज हंड्रेड थाउजेंड ये थाउजेंड है फाइव थाउजेंड है ना फाइव थाउजेंड यहाँ लिख देंगे ठीक है प्लस कितना आ जाएगा सेवन हंड्रेड सिक्सटी फोर है सेवन हंड्रेड सिक्सटी फोर ग्राम जाएगा ठीक है दोनों को अपने कर देंगे एक्सपेंडेड फंड पा सकते हैं इसको क्योंकि थाउजेंड वाला को एक्सपेंड कर लेंगे फाइव थाउजेंड हो जाएगा एक्सपेंड कर देंगे फाइव थाउजेंड ग्राम हो जाएगा और सेवन हंड्रेड सिक्सटी फोर जो है आपका ये अलग कर देंगे ठीक है इसको इसको अलग कर देंगे फिर इसको अलग कर देंगे तो हो गया है ना इसको तो कितना हो जाएगा फाइव थाउजेंड ग्राम का फाइव के जी हो जाएगा है ना प्लस क्योंकि देख चुके हम लोग फोर के जी का प्रभाव ग्राम होता है तो सही जो है इसको डिवाइड कर देंगे सीधे सीधे ऐसे भी कौन सा कर सकते हैं लोग है ना सीधे इसको डिवाइड कर सकते हैं ऐसे तो बनाएंगे प्लस सेवन सिक्सटी फोर ग्राम इसमें आपका हो जाएगा क्या फाइव इक्वल टू फाइव के जी बस यह आपका केजी हो गया यह आपका ग्राम हो गया ऐसे ग्राम लिख सकते हैं ठीक है जो तरीका आपको अलग अलग आसान लगे वो बना सकते हैं आप अपने ऐसे बना सकते हैं डिवाइड करके उसको निकाल सकते हैं ठीक है इसको चेंज करना है केजी और ग्राम में जो क्वेश्चन जो आपका होगा केजी हो जाएगा हंड्रेड फाइव फाइव थाउजेंड और जो घटाने के बाद आपका क्या है नीचे रिमाइंडर जो बचेगा आपको ये आपको क्या बचेगा रिमाइंडर है ना ये बच गया क्वेश्चन ये के जी हो गया और नीचे रिमाइंडर आपका सेवन हंड्रेड सिक्सटी फोर ग्राम हो गया रिमाइंडर ठीक है इस तरह से लोग बनाएंगे और आप देख सकते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं यहाँ आप इसको समझ गए हमें के जी और ग्राम का अलग अलग करने का इसलिए ये फॉर्मूला जो है हमेशा याद रखिएगा है ठीक है होमवर्क पर हम दे रहे हैं होमवर्क आप कीजिए होमवर्क में जो हमें लीजिए दो सौ साइज है फिर क्लास में एक्सरसाइज बने एक्सरसाइज 47 प्लस 48 दोनों बनाइएगा ठीक
है जब तक होमवर्क है, ठीक है ओके। और टेस्ट एग्जाम भी होने वाला है, टेस्ट एग्जाम के लिए तैयार कीजिए तो ठीक है। ठीक है ओके, उसका ध्यान रखेंगे जैसे बताया जा रहा है वैसे ही बनाएंगे हम। और जो एक्सरसाइज चाहिए चैप्टर 47 एक्सरसाइज 47 है और ये बनाएंगे ठीक है, आगे फिर ठीक है ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।